अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान अभी जो है इस वक्त जो है ना, आज हमारा असल में व्लॉग एंड हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूंगा। कि जो वीडियो है ना इसके अंदर आज जो है ना बेसिकली फिजिबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से जो है एक व्लॉग जो है ना वो एंड हो रहा होता है, यानी कि किस तरीके से लेबर उठा रही होती है, किस तरीके से क्रेट का वज़न हो रहा होता है, और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो आज जो है ना बेसिकली वलीद के साथ जो है ना हम थोड़े से जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ जो है ना ऐसा इंटरव्यू टाइप की जो है ना इंशाल्लाह वो बनाएंगे सुकून से बैठ के, ताकि ये कि आप लोग को भी मज़ा आए और हम लोग को भी जो है ना रिकॉर्डेड करने के लिए मज़ा आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो है ना इनको 38 डेज़ पूरे हो गए, और इसमें जो है ना हमने जो है ना जितने भी फीड वगैरह लगाई थी वो सारी चीज़ें आपको एंड तक पता चल जाएंगी, कि जितना भी खर्चा हुआ था मोटेलिटी जो भी हुई थी वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और ये जो टाइम है ना ये फजर के बाद का टाइम है, और यार ये लाइव मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी थी, मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही थी कुछ दिनों से, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ बना दूंगा। और अब जो सेकेंड पार्ट जो है ना हमारा, वो तमाम के तमाम जो है ना वो लाइव है, और वलीद के साथ जो है ना हमने वो पार्ट बनाए हुए, ताकि ये कि उसमें जो है वो आप लोग को मज़ा भी आए, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये मैंने पहले ही बना दिया था अपनी रिकॉर्डेड करके, तो फिर मैंने सोचा था कि यार मैं इसको जो हूँ ना वलीद के साथ कंटिन्यू करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। और अभी जो है ना इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं, और फिर वलीद के साथ आपको जो है ना वो तमाम फिजिबिलिटी बताते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना जो भी हमारे खर्चे हुए ना वो साथ साथ आते रहेंगे, और आपको जो है ना साथ साथ वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से माल उठा है क्रेट के अंदर, किस तरीके से भरे गए हैं, वज़न किस तरीके से देखा जाता है, और मेरे पास टोटल लाइव वर्ड क्या आया, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। सर जी बताएं, एक काम करते ना, कदर इन्वेस्टमेंट शुरू करें, लास्ट बताते हैं। हाँ, एक साथ मैं शुरू करता हूँ कि फिजा कितने का आया, कितनी मोटेलिटी हुई, कितना मेडिकेशन में खर्चा आया, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई चूजे मेरे पास 500 थे, जिसमें मोटेलिटी एंड तक अलहमदिल्ला कोई भी नहीं हुई, ये रिकॉर्ड हुआ है भाई हमारे पास फ्लॉक में। और दूसरी बात, ये जो एवरेज वेट आया मेरे पास वो आया है 1.9 kg पूरे फ्लॉक का, यानी कि मेरे पास एक मिनट भाई, हम चूजे लेके चल रहे हैं, 500 चूजा खरीदा भाई, दिखा जरा हम देखना, और 500 चूजे में खर्चा कितना आया चूजे का जरा बताएं भाई, 141 का रेट था चूजे का, ठीक है, और 500 चूजे के मेरे हिसाब से कोई 70,500 कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, हिसाब कर लेते हैं ताकि चीज़ें ना टेंडर याद रहे भाई, 70,500 रुपये होगा खाली चूजे के, चूजे का होगा, ठीक है, 5,000 रुपये मेडिकेशन लगी है इसमें, जिसमें वैक्सीनेशन थी, ट्राइफेल, ऑगमेंटल, लाइसोबेट, ये सामान थी। वैक्सीन कौन कौन सी करी भाई, ये वीडियो हम कोशिश करेंगे डिटेल में हो जाए, ताकि अगर कोई हमसे सवाल भी करे तो उसको हम डायरेक्ट वाली वीडियो भेज दें और उसके लिए आसानी हो जाए। सर जी आपने बताया 75,500 रुपये का चूजा मिलाने के बाद 5,000 रुपये डाल दिया मेडिसिन की, जिसमें दो वैक्सीन शामिल है, एक NDIV जो कि 14 दिन पे करी थी, और 14 डेज पर मैंने NDIV लखोटा करी, दो वैक्सीन हो गई है, खाली दो वैक्सीन करिए बता दिए, अगर किसी का आधार कार्ड ना हो तो वो 3 भी कर सकता है, कंप्यूटर वगैरह ऐड कर सकता है, H9 कर सकता है, H9 भी कर सकता है, 5 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बंदे के अपने ऊपर, और लोग HD में भी कराते हैं। दो खर्चे हो गए, तीसरा खर्चा बताएं सर कौन सा, राइस हस यूज़ हुआ है 3,000 रुपये का, राइस हस ज़रा डिफाइन भी कर दो क्या है, या बेडिंग के लिए बेसिकली लीटर जो हम लोग बोल रहे होते हैं ना राइस को बिछाने के लिए, उनको कंफर्ट जोन करने के लिए फ्लोर पे बिछाते हैं, मिट्टी देर लगती है, मिट्टी तो बिछा नहीं सकते, भी शेयर कर दूंगा, हाँ मिट्टी तो बिछा नहीं सकते क्योंकि वो भारी हो जाती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल भी होती है, सांस के मसले आते हैं, मिट्टी होती है ना सांस का मसला, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि मिट्टी से जो है ना सांस का मसला भी होता है, और उसके अलावा मिट्टी से चूहे को ठंड भी लगती है, ठंड भी लगती है, चाहे जो बातें वो गीली हो गई तो वो अजाब हो जाती है, दो तीन चीज़ें आ गई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी सर, लाइसेंस को मिला के 78,500 हो गए हमारे, 3,000 रुपये मिसलिनियस में मेरे पास ये चूना हो गया, थोड़ा सा ये फॉर्मलिन वगैरह मैंने स्प्रे करे थे, इसके अलावा मच्छर हो गए थे तो थोड़ा सा जो है ना वो यूज़ करे थे मैंने स्प्रे, तो वो मिसलिनियस में 3,000 रुपये आपका, उसमें यानी कि जैसे बातें जगह को क्लीन करने के लिए पहले चूना वूना किया, उसके बाद फॉर्मलिन वगैरह का स्प्रे हुआ, 18,000 रुपये उसमें खर्च हो गए, और उसके अलावा क्या हुआ। अच्छा भाई एक बात बताओ, जो हमारी कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मलिन और चूने से मोटेलिटी पे कितना असर पड़ा आपके ख्याल, या मेरे पास इससे पहले 100 चूजे में पास था जब भी, तो मेरे पास 5% मोटेलिटी आती थी, लेकिन अलहमदिल्ला जब से मैंने ये यूज़ किया KM4 और फॉर्मलिन और चूना वगैरह, आपके सामने 0% मोटेलिटी आई, और जो वो टेढ़ी गर्दन वाला था वो तक ही मारा एंड में, वो लास्ट में आके भाई ने जिबा किया, उसके हमने वीडियो मैंशन भी करी थी उसको, यानी कि 500 चूजे पर 0 मोटेलिटी। एक्सेप्ट करना क्या होता है, फ्लॉक प्लेस करने से पहले आपको फ्लॉक की मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग जब डाल रहे हो तो बरए मेहरबानी किसी से कंसल्ट कर लें, उनसे उसको फीस पे कर दें तो वो आपको आसानी हो जाएगी, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो हमसे भी कर सकते हैं, कुछ ना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है सर। आपने बता दिया क्लीनिंग के हवाले से, और उसके अलावा खर्चा बताएं भाई, खर्चा आप ही करो,
ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा फीड आई 6800 के हिसाब से 31 पे। यार एक मिनट, वीडियो में बताया था 6500 का बैग, यहाँ पे 6800 का बैग। मैं इसकी वजह ये बता देता हूँ, बेसिकली हमारे पास जो है ना ट्रैवलिंग लगी और इसके अलावा ये कि लेबर लगी थी जो उसने फीड ऊपर बताई। तो मैं राउंड अबाउट करके आपको बता रहा हूँ कि 6800 का मुझे बैग पड़ गया। मैंने ट्रैवलिंग ही डाली बेसिकली, मैंने उसके साथ ही एडिशन करके एक बैग की कॉस्ट निकाल दी। तो भाई वैसे बैग का जो रेट है वो 6500 का ही है, लेकिन जाहिर से बात है बंदा उठा के लाया, रिक्शा रिक्शा लगता है, तो 2-3 हज़ार रुपये आपके वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो टोटल कितने बैग आए? टोटल 31 बैग आए, 31 बैग आए, यानी कि 31 बैग के अंदर अगर हर दफ़ा भी डायल तो आराम से बन जाएंगे 6800 रुपये, बिल्कुल मुनासिब लगेगा किराया मिला के। वैसे बैग महंगा है भाई, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम आपको प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखा रहे भाई, सारी चीज़ें दिखाएंगे हलाल तरीके से, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो क्या बन गया सर? 6800 31 292,300 खर्च हो गए, 292 ले लेते हैं, 2,92,000 रुपये टोटल खर्च हो गए इस ब्लॉक के ऊपर। टोटल एक्सपेंसिस के अलावा कुछ बचा? 8,000 रुपये आप ऐसी डाल दें, 4-5,000 रुपये बिजली के डाल दें, वैसे तो डीसी फैन लगे हुए थे, इतना मसला नहीं है, 4-5,000 बिजली के। मैं आपको एक राउंड अबाउट बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना घर के अंदर पाल रहे हैं, तो मैंने 8,000 रुपये इसकी एडिशन आपसे करवाया भाई। ये मैं बताऊँ गारंटीड, ये 1,000-2,000 रुपये के ऊपर का बिल नहीं होगा, बहुत हल्के वाले पंखे लगे हैं, लेकिन फैस भाई 8,000 डाल दें तो हम डालें भाई। ये वो वाला हिसाब किताब है ना, आपके लास्ट टाइम याद नहीं है कि घर पर पाल रहे हो, जब भी प्रॉफिट हो रहा है फार्म पर जाओ, तो इसलिए मैंने बोला कि हर चीज़ आपको इंशाल्लाह करें, हर चीज़ आपको जो ना एक आइडिया हो जाएगा, बड़ी प्रॉपर वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह तआला उन लोगों के लिए जो लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, एक चीज़ और आ रही, 3,30,000 रुपये होगा टोटल। और कोई खर्चा? 3-30 कहाँ से होगा सर जी, 292 में आप 8,000, 3,00,000 रुपये होगा। ठीक है, 3,00,000 हो गया टोटल खर्चा। बिल्कुल, और बताएं और कोई खर्चा रहता है? नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा ये कि आप रेट पे डिसाइड करते हैं हमारा रेट वगैरह क्या है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ पहले, इसके अंदर ना हमने रेंट ऐड किया, ना ही इसके अंदर हमने लेबर ऐड करी है। उसकी वजह हमने आपको पहले की वीडियो में बताई थी कि भाई देखें जगह अपनी है, 500 क्या रेंट डालें और लेबर भी क्या डालें, लेबर ही हम खुद ही होंगे, या तो छोटा होता है ना 5,000-6,000, तो उस पर लेबर ऐड करते हुए मुनासिब भी लगती है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, एक चीज़ आप लोग भूल गए, बुरादा बुरादा डाला ना, लाइसेंस डाला ना हमने 3,000 रुपये, तो लाइसेंस तो बैटिंग हुई थी ना, बुरादा मेरे पास 6 बैग यूज हुए, कितने का था? 200 रुपए का एक बैग है, तो वो मैंने आपको 3,000 रुपए इसलिए मैंने बोले कि फॉर्मली वगैरह के क्या है, 1,000 रुपए मेरे पास यूज हुए, चूना कोई 1,000 रुपए का तो था नहीं भाई, 4-5 तो वो इसलिए मैंने 3,000 रुपए पहले से मिस्ली में था, यानी कि जलाने वाले मेरी भाई की बात सही थी, वो हमने ऐड कर दिया कि जलाने वाले भी 1,200 उसमें आ गए, एक काम करूँ, कोयला मैंने ऐड नहीं किया था, कोयला मैंने चलाया नहीं है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट नहीं है। एक काम करेंगे ना, बुरादे से जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको हम अपनी वाली वीडियो दिखा देंगे, शुरू वाली जब हम यहाँ पे खड़े होकर चला रहे थे वो दिखा देंगे, हमने वो काम किया था। ठीक है सर, दो चीज़ें हो गई और इसके बाद बताएं सर आप, इसके बाद और कुछ भी नहीं हुआ है, टोटल ये 500 चूजे पे कितने दिन का ब्लॉक था? ये तकरीबन 38 दिन में फाइनल हुआ, 38 डेज के अंदर जो टोटल खर्चा आया है ना वो आया है 3,00,000 रुपये पूरा, 3,03,000 हम राउंड कर लेते हैं, 3,00,000 रुपये कर लेते हैं। ठीक है, 3,00,000 रुपये खर्चा आया। अब बात कर लेते हैं लॉस एंड प्रॉफिट की, मार्केट रेट के हिसाब से क्या सिचुएशन है, क्या कमाया क्या खाया, तो सर बताएं आप भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने एवरेज वेट क्या निकला, पूरे फ्लॉक का एवरेज बता रहा हूं, मैं आपको एक परसेंट बता रहा, एवरेज वेट मेरे पास आया 1.9 kg, और टोटल जो मेरे पास आया था ना वो आया था, जब हमने लास्ट टाइम वेट किया था तो 2,200-2,300 ग्राम भी उठाना। अच्छा, वो सिंगल सिंगल यार देखिए, सिंगल सिंगल था, मैंने आपको एवरेज बताया कि एवरेज में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास छोटे चूजे जो रह गए थे ना वो भी इसके अंदर काउंट हो गए, पूरे 500 का एवरेज निकल के आया, 950 kg मेरे पास बना था, तो उसका मैंने एवरेज निकाल। अच्छा भाई, ये उनकी भी करेक्शन है, ये बहुत सारे लोग मुझे अपनी वीडियो सेंड करते हैं बड़े बड़े बट की लेके, तो छोटा बट भी काउंट करें, बड़ा बट तो रहते होता है 2.3 kg का है, लेकिन जो एवरेज निकल कर आया ओवरऑल उसमें एक बट 1,600 ग्राम का भी होगा, एक बट 300 ग्राम का भी होगा, उसकी एवरेज निकली बेसिकली वो 1.9 kg, टोटल मेरे पास 950 kg पर है, और उस वक्त जो रेट मैंने निकाला है 386 पर kg के हिसाब से निकाला था, लेकिन इसमें मैं बता दूं 386 में नहीं निकला, मैंने बेसिकली ये बताया पहले 386 था, मैंने दिया है आरती को, आरती ने मेरे से 10 रुपये कट लिया है, 376 पर kg के हिसाब से मैंने माल निकाला है, तो भाई आप 950 को 376 से करें। इसमें टोटल लाइफ वेट कितना बना? 950 950 kg टोटल बड़ा बट्स का वजन बट, ठीक है 1.9 kg बट्स का एवरेज था आपके बिल्कुल, तो इसमें हमने क्या करा माल 376 से, क्योंकि 10 रुपये कम लिया है मार्केट से आरती ने, क्योंकि कैश पे आपको बताया कि आरती जो है वो या तो फिर कट लेता है या तो फिर 10 रुपये कट लेता है, दो ऑप्शन देता है, या तो फिर पीक रेट का कट लेता है या 10 रुपये, मैंने उसको 10 रुपये छोड़े थे पीक रेट। भाई एक काम करते हैं, इतनी देर हो गई प्रॉफिट बताने से, पहले एक चीज़ बता देते हैं कि सेल के हवाले से आप लोग दो रेट निकलते हैं, अगर आप डायरेक्ट दुकान वाले को सेल आउट कर दो तो उसमें होता क्या है
कि आपको रेट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, इस बात के मैं बताता हूं क्वांटिटी में नहीं निकलता माल, क्वांटिटी में नहीं बताता, टाइम आपके ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, उसके बाद ये कि आप जो है ना उधार पे चल रहे होते हो, आप चाहे होटल पे दो चाहे आप दुकान पे दो, वो ये बोलेगा कि आज माल दे दो कल पैसे ले लो, अगर उसकी मुर्गी नहीं बिकती तो फिर वो आपको बोलेगा मुर्गी नहीं बिकी आज दो दिन बाद ले लो, तो वो आप उधार पे चल रहे हो, बेहतर ये होता है आप कैश पे कर लो वो ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने जो कैश पे किया वो इंशाल्लाह वो सारी कैलकुलेशन करूँगा, कैश पे मैंने फार्म रेट से 10 रुपये कम में दिया था तो इंशाल्लाह वो सारी कैलकुलेशन करूँगा। एक चीज़ और बता दूँ इंपॉर्टेंट, जो लोग कहते हैं ना कि यार पकवान वालों को दे दो या वही कुछ पहले से बात करी, उससे एक तो उनकी अपनी चेन होती है, लेकिन आप चलो घुस गए उसमें आपको मन आता है आपने दे दिया, लेकिन आप मसला पता है क्या होगा, वो यही कहेंगे आपसे, एक तो आपका माल जहाँ एक दिन में निकलना था वो निकलेगा 7 दिन में, वो आपका टाइम का वेस्ट है, स्पीड भी ज़्यादा बढ़ गई है, मोर्टैलिटी भी हो सकती है, मोर्टैलिटी भी हो सकती है क्योंकि जब बर्ड आपका पीपर होता है ना, यानी हमने बताया था हमारे बर्ड में हल्का सा मसला आया था, बिल्कुल यही वजह थी जो लास्ट वीक वाली वीडियो उसमें मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे जब बर्ड सेल आउट हो रहे थे, क्योंकि देखिए आता है मसला, बताने का रीज़न सारा ये है, अगर आप लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं ना तो मसला आता है, तो जल्द से जल्द जान छुड़वाने के लिए बंदा माल बेचता है, एंड में बेसिकली होता ये है कि उसको नज़ला होता है, नज़ले से फिर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर आपको फेंकना पड़ता है, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप पूरा फ्लॉक निकाल दो ज़्यादा बेहतर, वो ज़्यादा बेहतर था। और क्या कहते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, हमने बताई थी वीडियो के अंदर हम इसको फिनिशर लगाने वाले हैं, अब अल्लाह रहम करे और वही हुआ जब हमने फिनिशर की फीट लगाई तो उसके बाद क्या हुआ, एंड में दो बोरी से पहले मैं आपको बता देता हूँ चूज़ा जो है टीके मारने लग गया था, प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई थी, मेडिकेशन हुई थी, चूज़ा टीके मारने लग गया था, उसको प्रॉपर चेक किया कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए जब मैंने उसको जब काटा भी है ना एक बार तो मैंने खुद स्लॉटर किया था, उसमें मैंने जब चेक किया उसका लेबर वगैरह ओके था, लेकिन बहरहाल वो डिजीज़ की तरफ आ जाता, वो सेकेंडरी डिजीज़ जो है ना वो कवर कर लेता, वो तो खैर इंशाल्लाह बाद में कवर वो करेंगे कि क्या होता है ये सब, अभी प्रॉफिट का क्यों में डाल देते हैं बैठना, इसके बाद रहता काम में टाइम वैसे भी नहीं की वजह से, और दूसरा ये रेट यार स्टेबल था, मैंने आपको उसमें वलीद ने भी पहले बताया था कि भाई जो रेट है आप देखो उसमें अगर आपको कुछ बच रहा है आप निकाल दो, लालच में रहोगे ना तो यार आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमने जो है ना वो कवर कर लिया था, तो भाई यही होता है कि आप निकाल के बैठ जाओ वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप होल्ड करके बैठे लो कि रेट बढ़ेगा तो फिर उसमें जरा आपके अल्लाह ना करे, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी भाई 950 केजी भेजा हमने 376 रुपीज़ के हिसाब से ब्रोकर को, पेमेंट कैश थी, पेमेंट कैश थी, पेमेंट हाथ के हाथ हुई है, इसलिए मैंने 10 रुपये के जी कट दिया है, उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे 6 रुपये कट ले लो, पेमेंट 2 दिन बाद 3 दिन बाद दूंगा, मैंने उसको बोला 10 रुपये कट ले लो आप और पेमेंट कैश दे दो, और मैंने क्रेडिट पर उसको 1% कर वो नहीं दिया कट नहीं, यानी कि वो फी क्रेडिट पर आप ज़्यादा की और माइनस करा देंगे, यानी कि 500 बैठ का कितना वजन बना होगा सर 950 बैठ का जो क्रेड बने ना वो तकरीबन 35-36 क्रेड में मांग लिया गया, तो क्योंकि मेहमान में सप्लाई करिए क्रेड में उसने ज़्यादा रख दिए थे, वरना एक्चुअल ये होता है कि 10 दाने डालते हैं तो 10-11 दाने सब, यानी कि तकरीबन 16-17 किलो ये और माइनस कर देते अगर उसको उससे भी कट देता, तो खैर कैश में दिया है पैसा, कैश में क्रेडिट पर क्यों नहीं दिया, क्रेड पर मतलब क्रेडिट पर तो आप ये समझे कि मेरे को अच्छा खासा बच जाता, फिर बात वही है कि अगर मेरे पैसे फंस जाते क्योंकि माशाल्लाह से भाई आपको एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही होता है भाई आप पैसा कैश में लेके चल लो ज़्यादा बेहतर, भाई आप सबको मशवरा दे रहा हूँ अगर आप लोग भी नया काम करने वाले हो ना, मैंने 4-5 साल पर फंसाए थे आज से 3-4 साल पहले, वो आज तक नहीं मुझे मिले, मैंने क्रेडिट पर माल दिया था और वो लोग बैठे हुए वहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले बाद में कम आपका पैसा निकलवाते, मैंने कहा बस छोड़ो लाना दे दो, उस बंदे का बेटा बेटा मर गया उस टाइम थोड़ी शांति हुई, खैर तो अब भाई दिखा देते हैं बहुत देर हो गई है, तो सर जी प्रॉफिट बना है टोटल 357 टोटल अमाउंट बना है 357,200, ठीक है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा, बल्कि मैं काम करूँगा स्क्रीन पर मैं कैलकुलेशन शो कर दूँगा, 357,200 टोटल अमाउंट बना है जिसमें जो प्रॉफिट बना था कितना बना 57,000 सर मुनासिब है, अगर मैं इसमें आप लेबर भी डाल दें, आप चले आप लेबर भी डाल दें और फार्म रेंट भी डाल दें, इसकी जगह पे क्या रेंट होगा यार, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं ना जिनके पास जगह नहीं है, तो जब भी आप डालें 15,000 रुपये लेबर और 10,000 रुपये रेंट तो 25,000 रुपये 25,000 26-27,000 रुपये फिर भी आपके बच रहे हैं, तो भाई मैंने तो कमाया जो है मैंने आपको बता दिया, अगर यही लॉस होता तो मैं वो भी बताता। अच्छा भाई हमारी वीडियो वो लोग भी देखेंगे जो स्टूडेंट होंगे, वो भी देखेंगे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन हम सबके लिए हमने इसको जान के सही इसलिए रखा है कि हमारी बातों में आके कोई इस काम में ना घुसे, और वो सोचे कि 3 लाख का हमने 6 लाख बनाया तो वो भी इसमें आ जाए, हमने 3 लाख का 3.5 बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 लाख का 60,000 रुपये नहीं समझे प्रॉफिट बन गया भाई, ऐसा क्या मुनासिब है, अगर आपको थोड़ी सी जगह है आप दिन में 4-5 घंटे निकाल सकते हो, 4 घंटे इजली निकलता है, 4 घंटे आप निकाल लो, सेल का मसला ही नहीं है, ब्रोकर लेने वाले बहुत हैं, 4 घंटे के अंदर आप डेली काम करके सुकून से 60,000 रुपये कमा लोगे महीने, 40 आप मैं तो बोलता हूँ
17-18 हज़ार रुपये जो हमारा एक्स्ट्रा है ना वो भी आप हटा दो तो 40 हज़ार रुपये लगा लो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आराम से पर मंथ आप 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो इतनी से कमरे से निकाल लिए, 2 महीने के अंदर आप पूरा से कमा सकते हो। तो भाई मेरा ख्याल है, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, मेहनत कम नहीं है। मेहनत बहुत है यार, क्योंकि मैंने लेबर नहीं रखी हुई थी। अभी आप दिखाई दे रहा रोजे के बाद हमने जो फैज भाई ने रोजे में ही भरे सारे थैले, अभी और भी है वो तो अंदर, अभी और भी बहुत सारा भरा है जो स्ट्रैपर से उठेगा और 2 दिन के बाद आगे तक आप में बैठ गए। तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग काम करना चाह रहे हैं और जिनके सवाल है। अरे भाई आपको कोई सवाल इस बात से, और फाइव भाई आपका भी कोई सवाल होता मेंशन करें, आपको कोई सवाल नहीं, अरे भाई आपको कोई सवाल नहीं जो हमने मिस कर दिया पूछ लिया, देख लें आप भाई अली भी इंशाल्लाह पा लेगा, अली का तो सरप्राइज है ना, वो अली का मेंशन नहीं करें तो भाई ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें थी, हमने आपको वैक्सीन के हवाले से बता दिया। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पूछी है सारी की सारी, कुछ चीज़ रेटिंग है कल भाई कुछ कहना चाहेंगे जो हमने मिस किया हो? भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट देख के आप लोग यही समझिएगा कि हमने 60 हज़ार रुपये कमाए तो आप भी 60 हज़ार रुपये कमाएंगे। सारी चीज़ें जो है ना पूरे साल की जो है ना कैलकुलेशन हमने करी हुई है, हम इसके एच वाली ड्राइवर चैनल पे पूरी चीज़ें जो है ना कवर हुई हैं, चाहे वो गोल्डन मिस्त्री हो, चाहे वो ग्रेडर हो, चाहे वो लेयर हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आप काम करोगे तो आप चीज़ें सीखोगे। और दूसरी चीज़ भाई मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी ग्रेडर रखे हुए हैं, गर्मी का सीज़न है, अगर आपका बर्ड 1800-1900 ग्राम के एवरेज पर आ गया तो आप लोग वेट ना करें, अभी रेट अच्छा है निकाल दें, इंशाल्लाह आपको बचेंगे पैसे। अगर आप लालच में रहेंगे कि रेट जो है 400 से ऊपर जाएगा फिर हम निकालेंगे, तो याद रखें कि आपके पास जो है ना वो हार्ट अटैक आके भी बर्ड मर सकता है, और इस मौसम में जो है ना आपके पास आईटी आती है भाई, बाकी आप बताओ कि क्यों आती है। अच्छा भाई फैज को मैंने मशवरा दिया था माल निकाल दो, फैज के अलावा 3 फार्मर ऐसे हैं हमारे पास जो मुझे डेली मैसेज करते हैं यार 4 मर गए 5 मर गए कैसे मर गए, दोपहर में मर गए सुबह तक सही, तो वो वजह क्या बन रही है भाई, वो लालच बन रहा है। मैं कुछ वाला बता रहा हूँ, डेट बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं यार, जहाँ 2 पैसे मिल रहे हैं बेचो और निकलो और नया ब्लॉक करते हैं, पता है इसमें कि खुलाना करे जितने लगाए ना उससे ज़्यादा अंदर ही ना घुसते हैं, यही बात। और लॉस वाली बात भी है, इसने पैसे बताया कि हो सकता था कि पूरा ब्लॉक खुदाना करे हो सकता था लॉस, लेकिन तरीका कार क्या है, अगर आप उसको तरीके से मैनेज करोगे तो 99% चाहते हैं कि आप सर्वाइव कर जाओगे। तरीका क्या होता है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आप किसी से कंसल्ट ले लो, आप कवर कर सकते हो, हमसे आप कोर्ट परचेज कर सकते हो, हमने बहुत सारी चीज़ें गाइड करी है जो फार्मर को ऑन द स्पॉट मिलती है और सबसे उनके लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन जहाँ पे आप 5 लाख रुपये लगा रहे हो ना वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये अगर आप हमें दोगे या किसी को भी दोगे तो इसका आपका फायदा है, आपको चीज़ों का पता लगेगा। हम भी तो हमारा अपना एक्सपीरियंस 5-6 साल का है और हमारी डिग्री भी चारों की माशा से पोल्ट्री रेंज की में चल रही है, तो इस तरह एक आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है और आप भी समझ भी सकते हो। तो बस इस वीडियो को मेरे एंड करके लगे कुछ अल्लाह पार्ट 2 बना रहे हैं, यार अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है, एग्जैक्टली पीछे टाइम देगा मगरिब का टाइम हो रहा है, तो इस वीडियो को मेरे एंड करते हैं, पार्ट 2 बनाएंगे 3 महीने का, जो महीने का बना देंगे और ये बता देंगे कि इससे पहले वाले का भी बता देंगे, शेयर कर लेंगे भाई, ऐसा नहीं है 60 हज़ार रुपये हर दफा ही बनते वो शेयर कर देंगे, वो शेयर कर देंगे। उसके अलावा मैं आपको बताया कि नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, हालात नफे का बिजनेस है, सूट महीने का। बस वीडियो में प्लान करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, जैसी भी लगे कमेंट करके बताना कोई इम्प्रूवमेंट हो तो भी और कोई सवाल हो आप तक तो भी। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।